राफेल लड़ाकू विमान का एक और जत्था भारत के लिए उड़ान भर चुका है। फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राफेल की यह यात्रा निर्बाध होगी। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हवा में ही ईंधन भरा जाएगा। भारतीय दूतावास के द्वारा विमानों के उड़ान भरने समय का वीडियो भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल लड़ाकू विमान की डील है। भारत में फ्रांसीसी दूत ने कल ही कहा है कि कोरोना के बावजूद 2022 तक तय समय में सारे लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि कोरोना के बावजूद हम भारत को तय समय और उससे पहले रफाल सौंपने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा था, अभी 21 रफेल भारत को दिए गए हैं, 11 पहले से ही भारत को दे दिए गए हैं, 3 अभी उड़ान भरने वाले हैं, अप्रैल अंत तक 5 और दे दिए जाएंगे। फ्रांसीसी दूत इमैनुअल लेनिन ने कहा है कि अनुबंध के अनुसार 2022 तक 36 विमानों को भारत को सौंप दिया जाएगा।